हम देखने वाले हैं LIC की जो स्कीम है मार्केट प्लस, जो आपको विदाउट लाइफ कवरेज बहती है और विथ लाइफ कवरेज बहती है। अगर आप विदाउट लाइफ कवरेज को सिलेक्ट करते हो तो जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे आप म्यूचुअल फंड में वेरियस फंड्स में जैसे ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड, सिक्योर्ड फंड, बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, सेम उसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर आप विथ लाइफ कवरेज उसको लेते हो तो आपका जो मेन मोटो है इंश्योरेंस लेने का, यानी कि अगर किसी कारणवश आपकी डेथ होती है तो आपके जो फैमिलीज हो, आपके नॉमिनीज हो, उनको पैसे मिल जाए, तो वही जो मेन मोटो होता है इंश्योरेंस का, वो यहाँ पे अगर आप विथ लाइफ कवरेज LIC मार्केट प्लस लेते हो तो आपको मार्केट का भी प्रॉफिट मिलेगा और आपका लाइफ कवरेज भी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये प्लान लेना है तो आपको जो एंट्री एज है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 70 ईयर्स है, और जो पॉलिसी आप कम से कम 5 साल से लेके 67 ईयर्स तक ले सकते हो, और जो प्रीमियम है आप या तो सिंगल प्रीमियम कर सकते हो या रेगुलर प्रीमियम कर सकते हो। और ये सिंगल और रेगुलर प्रीमियम करने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, जैसे कि अगर आप एनुअल प्रीमियम पे करते हो तो 20 साल के ऊपर का अगर आप पॉलिसी लेते हो तो मिनिमम 5000 रुपीज एनुअली पे करना है। 15 से 19 साल तक अगर आप प्रीमियम आपकी पॉलिसी का टर्म रखते हो तो आपका जो प्रीमियम है वो 10,000 रहेगा, और 10 टू 14 ईयर्स का अगर आप टर्म रखते हो रेगुलर प्रीमियम को तो 15,000 रुपीज़ आपको मिनिमम एनुअली भरने पड़ेंगे। मंथली अगर देखा जाए तो 15 टू 19 ईयर्स के लिए 1,000 रुपीज़ और 10 टू 14 ईयर्स के लिए आपको 1,500 रुपीज़ यहाँ पे मंथली पे करने होंगे। अगर आप सिंगल प्रीमियम पे करते हो तो आपको मिनिमम 5 साल के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा और वो 30,000 रुपीज़ का एक सिंगल प्रीमियम रहेगा। तो इस तरीके से आप प्रीमियम पे करोगे। और मैंने जैसे कहा कि आप वेरियस जो फंड्स है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसमें से जो भी फंड आप चूज़ करोगे, अगर आपने ग्रोथ फंड के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो ग्रोथ फंड में क्या होता है कि आपकी जो अमाउंट है वो 20% अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाती है और आपकी 40% अमाउंट जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जाती है, और इक्विटी में 40-80% जाती है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई रिस्क है लेकिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ ज़्यादा रहता है। अगर आप बैलेंस फंड में जाते हो तो 30% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आप 100 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो 30 रुपया आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, 40 रुपया आपका मार्केट मनी मार्केट में, और 30-70 रुपीज़ आपके जो है वो इक्विटी में जाएंगे। तो इस तरीके से आपने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया उसके 30-40% आपके यहाँ पे देख सकते हो। और जो बैलेंस फंड है वहाँ पे मीडियम रिस्क है, सिक्योर्ड जो फंड है वहाँ पे 45% आपके मिनिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और मनी मार्केट में मैक्सिमम 40% जाएंगे, तो इक्विटी में मिनिमम 15 से लेकर मैक्सिमम 55% तक आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो मीडियम रिस्क है और आपको यहाँ पे स्टडी ग्रोथ सिक्योर्ड फंड में मिलता है, और बॉन्ड फंड में आपका रिस्क कम होता है क्योंकि इक्विटी में आपका कोई पैसे नहीं रहते, तो सारे के सारे जो आपके पैसे है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होते हैं, इसीलिए लो रिस्क है और लो आपका आउटपुट भी इसमें आएगा। तो यहाँ पे आपको अगर बेनिफिट, जैसे मैंने बताया कि एक तो मैच्योरिटी बेनिफिट रहेंगे और डेथ बेनिफिट रहेंगे, और जो डेथ है वहाँ पे भी दो ऑप्शंस रहते हैं, एक तो नेचुरल डेथ होती है तो किस तरीके से, और एक्सीडेंटल डेथ होती है तो किस तरीके से। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे कि आपको बेनिफिट किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट है जिसमें दिया गया है कि आपकी अगर एंट्री एज यहाँ पे 35 ईयर्स है और टर्म आपने 20 साल का लिया है और एक सिक्योर्ड फंड लिया हुआ है, तो प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो एनुअली वो 10,000 रुपीज़ है और आपका जो सम एश्योर्ड है वो 2,00,000 रुपीज़ का है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि पहले साल आपने 10,000 पे किया और पहले साल से ही आपका जो डेथ कवरेज है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट ईयर से ही अगर कुछ हो जाता है किसी कारणवश किसी की डेथ होती है तो आपको 2,00,000 रुपये का जो सम एश्योर्ड है वो मिल जाएगा, और वहाँ पे अलग से जो पैसे है वो भी मिल जाएंगे। तो हर एक साल का आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, और जो सरेंडर हुए आप पहले 2 साल नहीं कर सकते, 2 साल से बाद ही तीसरे साल से आप वो जो पॉलिसी है उसको सरेंडर कर सकते हो। तो हर एक साल में सरेंडर किस तरीके से अमाउंट मिलेगा यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले इस चार्ट के यहाँ समझ लो कि जो गारंटी अमाउंट है वो डेथ बेनिफिट्स के लिए है, 2,00,000 रुपीज़ की रहेगी हर साल, किसी भी साल में अगर आपने पॉलिसी लिया है 20 साल का तो 20 साल तक की वही अमाउंट रहेगी। तो वेरिएबल वन सिनारियो वन, सिनारियो टू में सिनारियो जो वन है वहाँ पे 6% का आपको ग्रोथ है, और सिनारियो टू में आपका जो ग्रोथ है वो टोटल 10% का है। तो टोटल में देखा जाए तो आपका गारंटी प्लस सिनारियो वन वेरिएबल है, और टोटल टू में आप सिनारियो टू प्लस गारंटी है, यानी कि अगर पहले साल किसी की डेथ होती है और उस सिनारियो टू के हिसाब से अगर देखते हैं तो 2,07,932 रुपये यहाँ पे आप उसके नॉमिनीज को मिलेंगे।
तो इस तरीके से नीचे देखा जाए तो हर साल उसके अमाउंट बढ़ती जाएगी। अगर 20 साल के बाद देखा जाए, अगर 20 लास्ट ईयर में किसी की डेथ होती है तो यहाँ पे उसको जो अमाउंट मिलेगी वो 6,37,000 मिलेगी, और अगर उसकी मैच्योरिटी होती है तो उसको जो अमाउंट मिलेगी वो 4,73,158 रुपीज़ मिलेगी।